छोटी सी वेरिएशन, जैसे बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न मान लो मैंने करवा दिया, ठीक है, ये पैटर्न मैंने करा दिया, तो आप ऐसे ही ट्राई करके देख लो कि भाई ऐसा कुछ पैटर्न हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों जोड़ के देख लिया, राइट, तो ये पूरा पैटर्न हो गया। तो इस तरह से कुछ सोचना है, इस तरह से, समझ गया आप? ऐसे छोटी छोटी वेरिएशन, छोटी छोटी वेरिएशन क्या हो सकती है। इनफैक्ट होता भी ऐसा ही है कि जो सवाल आपसे कंपनी में पूछे जाएंगे वो लीड कोड कोड फोर्सेस से उठा रखे हैं, उनको स्लाइड से मॉडिफाई कर रखा है, राइट। तो अगर आपको ओरिजिनल सवाल आता है, ओरिजिनल सवाल आता है, ओरिजिनल सवाल में आपने दिमाग लगा रखा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं आपने दिमाग लगा रखा है, तो उसके बाद उसकी स्लाइड से वेरिएशन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इसी से ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है। तो सवाल आएंगे आपके करे हुए सवालों की वेरिएशंस, ठीक है, उनकी छोटी छोटी या बड़ी वेरिएशंस, आपको यह पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन की वेरिएशन है, ठीक है। जैसे आप वो पहचान लोगे तो क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच चुके हो, सॉल्यूशन के आसपास पहुंच चुके हो, राइट। और इंटरव्यू इतने हेल्पफुल होते हैं कि इतने आसपास पहुंच चुके हो तो थोड़ी सी मदद वो भी कर देंगे, राइट, या तो आप खुद ही निकाल लोगे या थोड़े बहुत कहीं पे फंस रहे होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को जरूर डेवलप करना भाई, ये कोई किसी को डेवलप नहीं करवा सकता, कोई किसी को डेवलप नहीं करा सकता, खुद से करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। एक आसान सा तरीका है कि क्वेश्चंस के साथ एक जिद बना लो कि क्वेश्चन मेरे को ही करना है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना, किसी से भी नहीं पूछना, खुद ही करूंगा, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, हर क्वेश्चन में मत बनाना, ऑफ कोर्स किसी भी क्वेश्चन में बना के देखना, ठीक है, कि भाई लेट से चार सवाल है तो तीन सवाल लर्निंग फेज में कर लिए, चौथा सवाल इस मोड में कर लिया ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, कि भाई ये सवाल मेरे को खुद से करना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, चाहे एक दिन दो दिन कितना भी टाइम लग जाए, तो एक सवाल काफी कुछ सिखा देगा तुम्हें, काफी कुछ सिखा देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के इस कॉलेज के कैलिबर की बात करूं तो पोटेंशियल इतना है, आपको सीनियर से बताया कि 32 लोग शॉर्टलिस्ट हो रखे हैं एमएसएम के लिए, टेस्ट क्लियर कर रखा है 32 लोगों ने, जिसमें 40 में से 16 वो है जो यहाँ पे पढ़े थे, हमारे साथ पढ़े थे, बताया नहीं बताया बात, ठीक है। तो 40 यहाँ पे पढ़े थे, उसमें से 16 लोगों ने अमेज़न का टेस्ट क्लियर कर रखा है, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं हम इंटरव्यू कितने लोग निकालते हैं, राइट। तो अगर बात करूं पीपीआईटी कॉलेज की, जिस कॉलेज में हमने पढ़ाया था, इसके अंदर, बल्कि इसमें यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं करा है, किसी ने भी नहीं करा है, हम श्योर कि किसी ने भी पूरा सिलेबस नहीं करा है, लेवल 1 सबने कर रखा है, लेवल 1 के लिए मतलब ये कह सकता हूँ कि 300 सवाल सबने कर रखे हैं। अब लेवल 2 के ना ऑलमोस्ट बच्चों ने मुश्किल से 200 सवाल करे होंगे, ठीक है, तो 500-600 क्वेश्चन के आसपास ही है, और 500-600 क्वेश्चन में अमेज़न का टेस्ट आराम से निकाल के बैठे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका लेट भी स्टार्ट हुआ था, बीच में कोविड भी आ गया था, छूट भी गया था, राइट, तो काफी रीजंस थे जिससे नहीं हो पाया। तो इस बार एक बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, अर्ली स्टार्ट था, पिछली बार लेट स्टार्ट किया था, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एज कम्पेयर टू जैसे पिछले साल भी मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई कितने लोगों ने 50 से ऊपर क्वेश्चन कर रखे हैं, राइट, तो हाथ बहुत ही कम उठे थे, इस बार हाथ ज्यादा उठे हैं, तो अवेयरनेस इस बार ज्यादा है, ऑफ कोर्स अगले साल वाले जो आएंगे उनकी और भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो कल्चर तो बन रहा है, कल्चर धीरे धीरे बनता है, पता नहीं लगता पर वो बन रहा है। तो बीपीआईटी में जहां पे हम सिलेबस पूरा करवा पाए थे तो वहां पे 59 में से 55 आई थिंक 55, ठीक है, 55 बच्चे प्लेस हो गए थे, तो उसमें से भी अमेज़न में देख लेते हैं एक बार कितने थे, ठीक है, वो रिजल्ट देखना जरूरी है ताकि आपको एक बार यूं पता लग जाए कि मेरा पोटेंशियल कितना है या मेरे कॉलेज का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
कहीं ये ना रहे भ्रम में तो नहीं जी रहे हैं कि हमारा हो ही नहीं सकता, या फिर इस भ्रम में तो नहीं जी रहे हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा। दोनों चीजें दिख रहा भाई, विजिबल है, ठीक है। तो सिर्फ अमेज़न के देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग यहाँ पे, और मेरे ख्याल से एक आधेगा AWS में हुआ तो था, इस बैच में था या नहीं था ये नहीं पता, नहीं वो अलग ही बैच में था, ठीक है। BPID के दो होते जिनका AWS में था, Amazon Web Services, दूसरे बैच में थे वो, इन 59 बच्चों में नहीं थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 59 में से 5, ठीक है, तो डिसेंट प्रोबेबिलिटी होती है। यहां से जिन लोगों ने टेस्ट निकाला था वो थे 20 के आसपास, 20 या 21 थे, ठीक है। तो ये होता है 60 में से 20 के आसपास लोगों का टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसमें से 1/4 का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1/3 यहां पे, 1/3 या 1/4 रहता है जनरली, और 1/4 यहाँ पे, इतने लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है, ठीक है। तो अगर आप सारे पूरे साल मेहनत करते हो, ठीक है, खुद से करते हो या हमारे साथ करते हो, जैसे भी पूरे साल मेहनत करते हो, तो अभी स्ट्रेंथ मेरे को दिखी थी 130 के आसपास, 140 मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, और भी ड्रॉप आउट होंगे, 120 ही मान लो। तो 120 में से आराम से 40 लोग टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, पक्का से कर पाएंगे अगर मेहनत करिए, 40 से प्लस ही हुए नंबर। और उसमें से 1/4 यहाँ पे कर लो, 10 लोग आराम से अमेज़न के अंदर प्लेस होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब तैयारी के बाद ये पता होना चाहिए ना कि भाई अमेज़न में नहीं हुआ तो क्या दुनिया खत्म। अगर एक साल किसी ने जम के तैयारी करी है ना, जम के तैयारी मतलब कि 800 सवाल, 800 प्लस क्वेश्चन किसी ने कर लिए, तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि 4 कंपनीज जिनका पैकेज 12 से ऊपर है, ठीक है, उनमें बिठा दो, एक कंपनी को क्रैक कर देगा, 4 में से 1 इज 1/4, 1/4 इज अ डीसेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अच्छी प्रोबेबिलिटी मानी जाती है, लक फैक्टर काफी मैटर करता है, पर 1/4 इज अ डीसेंट प्रोबेबिलिटी कि 4 में बिठाया, 1 फोड़ दी, डिसेंट प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी आराम से बन जाती है। तो वेदर यू आर विद अस और यू आर डूइंग इट बाय योर ओन, 800 क्वेश्चन कर लेना भाई, 800 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी बैच में 10 बच्चे तुम्हारे अमेज़न में दिख जाएंगे, ठीक है, 10 तुम में से ही कोई 10 बच्चे होंगे जो अमेज़न में प्लेस होंगे, राइट, ठीक है। टारगेट बना लेना 800 सवाल करने ही करने हैं, ठीक है, करने करने, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाते, लोग बीच में छोड़ जाते हैं। अगर मैं बैच स्टार्ट करता हूँ लेट से 200 की स्ट्रेंथ पे, ठीक है, तो 200 में से लास्ट में सिर्फ 50 के आसपास ही बच्चे छूटते हैं, और 50 में से भी 40 लोग ही पूरा कर पाते हैं 800 सवाल, ठीक है। तो ये हर बैच की यही हालत रहती है, 200 पे स्टार्ट होते हैं, लेवल 2 पे जाते जाते 500 क्वेश्चन के आसपास ड्रॉप आउट होके सिर्फ 50 ही बचते हैं, सिर्फ 50 बचते हैं, पेशेंस चाहिए इसके लिए, ठीक है। रिजल्ट उसी का मिलता है भाई, दो ही चीजें होती है, करेज, ये होता है बेसिकली डेव के लिए, दूसरा पेशेंस, डेव और डीएस दोनों के लिए, ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर बात कि करेज डेव में क्यों चाहिए, भाई चीजें नहीं आती फिर भी करनी है, नहीं आती फिर भी करनी है, बस डरना नहीं है, मतलब ऐसा होता है कंपनी में कोई भी काम आएगा, कोई भी एडहुक टास्क आ जाएगा कि यार ये काम है, नई टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं करा, कौन करेगा, राइट, तो यू हैव टू बी करेजियस इनफ टू रेज द हैंड कि मैं करूंगा, किसी ने भी नहीं कर रखा, राइट, पर फिर भी तुम करेज दिखा दोगे कि मैं करूंगा, मतलब वो अंदर से वो निकलना चाहिए कि मैं, अगर मैं करूंगा निकलता है, सामने वाला बंदा काम आपको ही देगा, राइट, और किसी ने बोला नहीं, तुमने बोला मैं ही करूंगा तो तुम्हें ही देगा होगा, ठीक है, वहीं पे ग्रोथ छुपी होती है आपकी, वहीं पे ग्रोथ छुपी होती है, लर्निंग वाली ग्रोथ भी और करियर वाली ग्रोथ भी वहीं पे छुपी होती है, ठीक है। तो ऐसी कहीं पे अपॉर्चुनिटी आए तो उसको छोड़ना मत, ध्यान रखना इसको, यू हैव टू बी करेजियस इनफ।
दूसरा है पेशेंस। चलिए तो दिखा दिया, काम ले लिया, अब काम हो नहीं रहा तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। खुद को समझाना पड़ेगा रोज कि काम हो जाएगा भाई, कर लेगा तू, ठीक है, बस लगा रहे, कर लेगा, राइट। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होगा कि आप कंपनी में बैठना स्टार्ट हो जाओगे, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी में रिजेक्शन। तुमने सवाल सारे तैयार कर रखे थे, ऑलमोस्ट मान लो कि 700-800 सवाल तुमने कर रखे थे, फिर भी दो तीन रिजेक्शन मिल गए, ठीक है, तो उसके बाद सर नहीं पकड़ना होता कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ ही होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ना दो कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे पहले, एक लिप्सिस थी, दूसरे टीसीएस डिजिटल। तो लिप्सिस में सिलेक्ट हो गया था, और टीसीएस डिजिटल के लिए उन्होंने टीएस का एक सवाल पूछा, डीएस का सवाल डीएस की तरफ से क्लियर था, एमएलडीएल पूछने लगे थे, तो एमएलडीएल इतना आता नहीं था, तो बोल ही दिया कि भाई नहीं आता, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। तो टीसीएस से रिजेक्ट होकर मैं दुखी थोड़ी ना हूँ, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, किस चीज के ऊपर रिजेक्ट किया, जो मेरे को नहीं आता था, पर तो रिजेक्ट क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो करेजियस होना पड़ता है कि भाई रिजेक्शन मिल रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस इतना मैं तो निकाल दूंगा, ठीक है, मैं निकाल दूंगा। आप इतने कॉन्फिडेंट होकर बैठोगे तो पहली में रिजेक्शन मिला, दूसरी में रिजेक्शन मिला, तीन में रिजेक्शन मिला, चार, कब तक मिलेगा रिजेक्शन, ठीक है, दसवीं कंपनी तो फोड़ ही दोगे, राइट। अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब बात करूं बैंगलोर, ठीक है, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इतने स्टार्टअप्स हैं जिनकी कोई हद नहीं है, ठीक है, कोई हद नहीं है। बैंगलोर में जाओगे नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएगा तुम्हें कि भाई हमारे यहाँ जॉब कर लो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बस स्किल से अच्छी है, पैसा भी बहुत ज्यादा है आज के दिन, सबसे ज्यादा पैसा इसी में, तो किसी को पैसे से प्यार है तो करो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो, मिलेगा पैसा भी, मिलेगा भर के मिलेगा पैसा, ठीक है, चलो, ठीक है। बस ये एक वो था कि रियलिटी ये रहती है, एक दो तीन चार पांच, 60 में से 5 लोग अमेज़न निकालोगे, तो 180 में से 120 में से 120 में से 10 लोग, राइट, 180 होते तो 15 होता नंबर, ठीक है। पर ये नहीं कि अमेज़न पे चीज खत्म हो गई, और भी कंपनीज है भाई, इनको 30 लाख का मिला, एक ने माइक्रोसॉफ्ट भी निकाला, ये जनरली स्मार्ट था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट निकाला है जनरली स्मार्ट था। उसके बाद यहाँ पे कॉमवर्ल्ट 20 लाख, ग्रो 17, आयो ट्रेडिंग 12, ठीक है, जोश अब 9 का दे दिए पैकेज, हैस्टिंग आसानी सवाल पूछती है 8 और 9 के आसपास, डिलीवरी तो यहां से स्टार्टिंग, अगर यहां से कोई 8 लाख से ऊपर की स्टार्टिंग कर रहा है, 8 या 8 लाख से ऊपर की स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए पता है कितना टाइम लगता है 20-30 लाख पे पहुंचने के लिए। आप फर्स्ट मतलब पहली नौकरी अगर 8 LPA से आपने स्टार्ट करी है, मैं कहूंगा कि 1 ही साल का एक्सपीरियंस लो, ठीक है, स्विच मारोगे आराम से 12 LPA पे पहुंचोगे, बहुत ही आराम से, राइट। फिर 1 साल यहां पे काम करो, 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब यार ये टेन्योर बहुत ही प्रीमियम टाइम होता है स्विच के लिए, बहुत ही प्रीमियम टाइम, जितना ज्यादा स्विच भी नहीं मारना चाहिए, वो आपके रिज्यूमे में दिखेगा कि भाई हर 4 महीने में स्विच मार रहे हैं, तो बंदा हमारे लिए रिलायबल नहीं है, तो 1 साल तो रुक जाना भाई किसी भी कंपनी में, ठीक है, ताकि वो एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाए, कंपनी का भी फायदा हो जाए, राइट। तो 1 साल बाद 12 पे, 1 साल बाद जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो प्रीमियम टाइम होता है SG2 के लिए, और आराम से तुम 25 लाख के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो विदिन 2 टू 3 ईयर्स आप इस पैकेज पे आराम से प्लेस हो, अगर आपने 8 से स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स 30 से स्टार्ट किया तो ये पैकेज ज्यादा बड़ा हुआ होगा, क्लियर है, ठीक है। तो पैसा तो है, किसी के लिए पैसा मोटिवेशन है तो पैसा है यहाँ पे, पैसा काफी है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, पैटर्न स्टार्ट करते हैं।